हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हर शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हर शरण हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरी शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरी शरण आने। तो आइए सभी जितने भगत जन बैठे हैं ठाकुर जी की शरण लेते हुए मिलके दोनों हाथ की ताली बजाते हुए कहिए, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। ओ कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हर शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हर शरण आने हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, ओ हरि शरण आने के बाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र करोज्ज्वलम्, भक्ति ज्ञान विरागानां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। जैसे सनकादिक कुमारों के मुख से सुना कि भागवत की आयोजन करवा। नारद जी ने पूछा, महाराज कहां पर करना चाहिए? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हे ऋषि, हे नारद, गंगा के तट पर हरिद्वार में आनंद नाम का वन है, आप वहां पर भागवत का आयोजन कीजिए। नारद जी महाराज ने कहा, हे अग्रजों, भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट तो हमें वृंदावन में दूर करना है, हम भागवत की कथा वृंदावन में भी कर सकते हैं। हम लोग हरिद्वार में भागवत की कथा करेंगे तो क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट वृंदावन में दूर हो सकता है? सनकादिक कुमारों ने हंस करके कहा, नारद जी आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे अज्ञानी लोग कहा करते हैं। आप जानते हैं कोई इस जन्म में क्या मरने के बाद भी भागवत की कथा सुन ले? श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, बोले पूरी कथा सुनने की आवश्यकता, पूरा भागवत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, श्लोकार्धम आधा श्लोक भी सुन ले, और श्लोक पादम वा, बोले पूरा आधा श्लोक भी नहीं सुन सकता, केवल एक पाद एक शब्द सुन ले उसका तो भी कल्याण हो जाता है। तो उनके नाम से तो पूरी भागवत की कथा होगी। नारद जी, जहां पर भी आप भागवत का आयोजन करेंगे वहीं से भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा। बोलो जी जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। अगर आज की भाषा में अगर कहें तो आप कभी रोहतक से अपना मोबाइल लेकर, अभी घृष्णेश्वर की यात्रा चलेगी 1 जनवरी को, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो जाने वाले हैं, आप यहां से गए, कोई टाटा डोकोमो का सिम आपका पड़ा हुआ था, आप डालकर चले गए, और जिस क्षेत्र में समुद्र के तट पर आप गए वहां पर कोई आपको रिचार्ज कार्ड नहीं मिला, आपका बैलेंस खत्म हो गया, आपने क्या करना है? अपने साथ वाले का मोबाइल लेना है, घर में अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने बच्चे को फोन करना है, अरे बेटा हम लोग इतने दूर आए हुए थे, मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया है, एक काम करो ना, 500 रुपये मेरे मोबाइल में रिचार्ज करा दो। आप मोबाइल नंबर आपका रोहतक का लेकर आप दक्षिण भारत पहुंचे हुए हैं, आपका बेटा यहां से रिचार्ज कर देता है,
और 5 मिनट में आप चेक करते तो आपके मोबाइल में बैलेंस होते 501 रुपया। तो ये बताइए उस मोबाइल में बैलेंस कहां से गया, उस मोबाइल में बैलेंस कहां से पहुंचा, बता सकता है कोई कहां से गया, आपके मोबाइल में कहां से घुसा हो? ना आपने देखा, ना आपके अड़ोसी पड़ोसी ने देखा, रोहतक में रिचार्ज हुआ लेकिन बैलेंस आपके मोबाइल में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही इस लोक में जो हम लोग सत्कर्म करते हैं, इस लोक में जो हम कर्म करते हैं, चाहे हम पाप करते चाहे पुण्य करते हैं, वो दो प्रकार के हमारे खाते हैं, उन खातों पर वो जमा हो जाता है। और जैसे ही हम यहाँ से इस धरती को छोड़कर जाते हैं तो उसका बैलेंस हमारा वहाँ ट्रांसफर हुआ मिलता है हमको, तो हमें उसका वहाँ पर लेखा जोखा बताया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और बंधुओं, संपत्ति वहाँ तक नहीं जाती, वैभव वहाँ तक नहीं जाता, धन संपत्ति वैभव परिवार वाला कोई नहीं जाता। आप पैसों की बात कहें तो इस देश का पैसा आप लेकर दूसरे देश में चले जाइए, आप केवल भूटान में चले जाइए, नेपाल में चले जाइए, अन्य देश में चले जाइए जो इसके आस पड़ोस में है, तो हमारे देश का पैसा वहाँ नहीं चलता है। जब भी जाना होता है तो उस पैसे को कन्वर्ट कराना पड़ता है, उस देश का बनवाना पड़ता है, तब जाकर वह पैसा चलता है। जब हमारे देश का पैसा हमारा पड़ोसी देश में नहीं चलता है तो ये तो 7 लोग ऊपर जाने की बात है, क्या वहाँ पर हमारा धन संपत्ति वैभव परिवार पहुँच पाता होगा? कोई नहीं पहुँच सकता। वहाँ तो केवल आपके साथ धर्मानुगो गच्छति जीवमेकः, कर्मानुगो गच्छति जीवमेकः। आपने जितने रिचार्ज के बैलेंस यहाँ पर एकत्रित करके रखे होंगे वो आपका वहाँ ट्रांसफर हुआ मिलेगा। इसलिए हे नारद जी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, हरिद्वार में गंगा के तट पर भागवत का आयोजन कीजिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट दूर हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, महाराज क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? बोले, वैरागियों की कथा है, क्या व्यवस्था करोगे? अरे गंगा का कोमल कोमल बालू वहाँ पर पड़ा हुआ है, किसी एक स्थान पर बालू का दिव्य मंडप बनाओ, एक ऊंचा आसन बनवाओ, वहाँ पर हम चारों कुमार बैठकर आपको पूरी भागवत सुना देंगे। जितने भी संत वैष्णव वैरागी भगवान के, जो भगवान के तरफ बढ़ना चाहते, भगवान के भक्त हैं, वो सब इस कथा का आनंद ले सकेंगे। जैसे नारद जी ने हरिद्वार गंगा के तट पर कथा का आयोजन किया है, सनकादिक कुमार व्यास गद्दी पर विराजमान हुए हैं और शंख शब्दात नमः शब्दात, शंख शब्द के साथ, घंटा ध्वनि के साथ और भगवान का नाम उच्चारण के साथ श्रीमद् भागवत की कथा प्रथम बार इस धरती में गंगा के तट पर आनंद वन में प्रारंभ होती है। बोलिए भागवत भगवान की। 7 दिन तक जैसे कथा चली, सनकादिकों ने भागवत जी का जयकारा लगाया, शास्त्रीय तत्कथितम कथानकम, एक बड़ा आश्चर्य देखा। जैसे कथा विश्राम हुई 7वें दिन की, स्वयं भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ करके स्वयं उस कथा में प्रकट हो गई सामने। प्रकट होकर के जाकर नारद जी के चरणों में जाकर वंदन किया, हे नारद, हे देवर्षि, आपकी कृपा से हमारे पुत्र भी स्वस्थ हो गए और आपके ही कृपा से हम भी वृंदावन से चलकर यहाँ तक आए हैं। आपने सभी श्रोताओं को कथा सुनाई है, आप कृपा करके बताइए, सबको यथोचित स्थान दिया है लेकिन मेरे लिए कोई स्थान नहीं, मैं कहाँ बैठूं? तब स्वयं नारद जी ने भक्ति माता को वरदान दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया, हे भक्ति, जो भगवान के तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो भगवान बांके बिहारी से जुड़ना चाहते हैं, जो राधा रानी से जुड़ना चाहते हैं, जिनके मन में भगवान के लिए श्रद्धा है, उन सब के हृदय में जाकर तुम निवास करो, तुम उनके हृदय में तुम अपना आसन लगाओ। बोलिए भक्ति महारानी की। इस प्रकार नारद जी ने आशीर्वाद दिया है और भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ, बड़े शंख शब्द के साथ, नमः शब्द के साथ कथा को विश्राम दिया है। इधर जैसे सूत जी ने भागवत की महिमा बताई है, सौनक जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रश्न किया, महाराज आपने प्रत्यक्ष दिखाया, इसमें अब कोई संदेह हमारे मन में नहीं है कि भागवत सुनने से क्या हो सकता है, लेकिन एक कृपा करके बताइए आप, जो जीते जी कथा सुन ले वो तो तर गया, प्रत्यक्ष हमने देख लिया, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट दूर हो गए हमने देख लिया, लेकिन आपने एक बात कही थी कि मरने के बाद भी अगर कोई भगवत कथा उसके नाम से कोई परिवार वाले करा देते हैं और उसके नाम से कोई भागवत पाठ कर देते हैं, वह भी तर जाता है,
महाराज ऐसा कोई उदाहरण आप बताइए जिसने मर करके कथा सुनी हो और परम पद को प्राप्त किया हो। तब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने एक दिव्य कथा श्री शौनकादि ऋषियों को सुनाया है। बोलिए भागवत भगवान की। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि मरने के बाद जिसने कथा को सुनी, आप कहते हैं उसके नाम से केवल सुनने की आवश्यकता नहीं, उसके नाम से संकल्प करके भी अगर एक श्लोक उसके नाम से पढ़ दिया जाता है, प्रेत धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, बोले उस जीव के सारे कष्ट तुरंत समाप्त हो जाते हैं। इसलिए एक आपको मैं कथा सुनाता हूँ। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं, द्वितीयो इव भास्कर। बोले इतने विद्वान हैं, इतने यशस्वी हैं, कोई उनके तो अकथनीय विद्या के भंडार है, परंतु उनकी एक पत्नी है, उनका नाम है धुंधली। महाराज पंडित जी तो जैसे व्यवहार अपना कर्मकांड करते, व्यवहार चलाते, घर परिवार चलाते, बड़े सुख से भगवान की दया से सब कुछ उनके पास था, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन कोई संतान उनके यहाँ नहीं थी। उन्होंने तुलसी का एक पौधा लगा रखा था, खूब तुलसी की सेवा करते, लेकिन समय आती और तुलसी भी सूख कर चली जाती। एक विशाल आम का वृक्ष अपने घर के सामने लगा रखा है, वृक्ष बढ़कर 20 साल का हो गया लेकिन फल नहीं देता। एक गौ माता घर में पाल कर रखी है, गाय को भी कोई बछड़ा नहीं होता। अब धीरे धीरे उस नगर में ये बात फैल गई कि महाराज ये आत्मदेव और इनकी पत्नी जो धुंधली है, जजमानों के यहाँ जाते हैं, कर्मकांड करते हैं, लाते हैं और खाते हैं, ये बाज हैं, इनके हाथ से अपने बच्चों को हाथ मत लगवाओ, इनका स्पर्श मत किया करो, ऐसी भ्रांति नगर में फैलने लगी। बोलो जी जय श्री कृष्ण। एक दिन आत्मदेव महाराज को पता लगा, आत्मदेव जी के कान में ये बात पता लगी कि नगर में मेरी ऐसी अपकीर्ति हो रही है। जैसे घर में आए हैं अब कर्मकांड करके, तुरंत मन में ग्लानि हुई, आम के वृक्ष के तरफ देखते हैं, वही बात याद आती है कि ये बाज हैं, इनका हाथ मत लगवाओ। गाय के गोष्ठ में जाते हैं, गौ को देखकर ये बात याद आती है, पग पग पर इस बात को याद करते और रोते। अचानक मन में वैराग्य हुआ कि भगवान ऐसी कृपा क्यों नहीं करते, इससे अच्छा तो यह अपकृति को लेकर जीने से अच्छा है कि मैं प्राण ही छोड़ दूं। आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही आत्महत्या करना चाहते थे, नदी में कूदना ही चाहते थे, इतने में एक संत सामने से प्रकट हो गए हैं। बोलो जय सियाराम। एक बार किया गया सत्कर्म जीवन में कभी भी फलीभूत हो सकता है। क्यों? सच्चे ब्राह्मण थे, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, उसका फल ये था भगवान ने प्रेरणा की और स्वयं संत मिल गए। आत्मदेव जी कूदना ही चाहते थे नदी में, तुरंत संत ने हाथ पकड़ लिया। अरे ब्राह्मण देव, आप रो क्यों रहे हैं और आप यहाँ से क्यों छलांग लगा रहे हैं, क्यों मरना चाहते हैं आप, और इतने घनघोर जंगल में अकेले कैसे घूम रहे हैं? वृक्ष के नीचे बैठ करके आत्मदेव ने रोते हुए सारी अपनी व्यथा प्रकट की है। और संतों का हृदय तो बंधुओं नवनीत के समान होता है, संत हृदय नवनीत समान। और संत जो असली संत होगा, सो समर्थ सतगुरु होगा, कभी अपने दुख पर नहीं रोता है, कभी अपने कष्ट पर नहीं रोता है, कभी अपने कष्ट भगवान के सामने निवेदन नहीं करता है, जब भी करता है कि ये मेरा चेला है, ये मेरा भक्त है, ये मेरा शिष्य है, हे भगवान, हे प्रभु परमात्मा, आप इसके कष्ट को दूर करिए। जैसे आत्मदेव जी ने अपनी बात रखी है, संत ने हाथ जोड़ करके कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके हाथ की और आपकी माथ की मैंने दोनों रेखाएं पढ़ ली है। आप तो इस जन्म की बात करते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है आपका भविष्य, आपके तो 7 जन्म तक कोई संतान होने वाला नहीं है, और वैसे भी इतने संतान सुख किसको देते हैं, आपको क्या गारंटी है कि आपका संतान आपको सुख देगा? अरे सगर जी महाराज के 60,000 पुत्र हुए, लेकिन उन्होंने पूरे अपने पूर्वजों को, 3 वंशजों को तपस्या करने में ही विलीन कर दिया,
ऐसे भी संतान होते हैं, इसलिए आप संतान के चक्कर में मत पड़िए और भगवान का भजन कीजिए। अनेक प्रकार से संत ने समझाए, परंतु बंधुओं आत्मदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महात्मा जी, ये सारी कथा मैं भी जानता हूं, मैं जानता हूं भागवत क्या है, भगवत धर्म क्या है, मैं जानता हूं, प्रवचन मैं भी दे लेता हूं, लेकिन मुझे तो संतान चाहिए। अगर आप मेरे सात जन्मों की भविष्य बता सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप समर्थ हैं, मुझे संतान भी दे सकते हैं, इसलिए आप कृपा करो कि मेरे यहां संतान हो जाए। संत ने अपना मस्तक पकड़ा और कहा, कहां तो मैं निकल रहा था, कहां मैं जा रहा था, लेनी न देनी ब्रह्म हत्या और मेरे सर पे लग जाएगी, इसलिए ब्राह्मण चिंता मत करो, तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं। संत ने भगवान का नाम लिया, अपने झोली में हाथ रखा, एक दिव्य फल निकाल करके ब्राह्मण के हाथ में रख दिया। अगर भगवान ने चाही तो हे ब्राह्मण देव, आने वाले 9 महीने आपके यहाँ स्वयं बच्चों की किलकारी गूंजेगी, ये भगवान का प्रसाद है, इसको लीजिए और घर जाइए, आपको आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोलो जी जय सियाराम। प्रसाद की महिमा बहुत बड़ी यहां पर बताई है, क्यों संत का दिया हुआ प्रसाद कभी संशय नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण देव इतने प्रसन्न हुए, अंदर से इतने प्रसन्न हुए, उनको तो मार्ग भी नहीं सूझा कि मैं कितने दूर से आया था, सीधे चल करके गए और अपने पत्नी को आवाज लगाई है, अरे भाग्यवान, अरे देवी, अरे धुंधुली, बाहर निकलो, बाहर निकलो। धुंधुली ने बाहर आकर के कहा, महाराज आज बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं आप, बड़े प्रसन्न होकर पुकार रहे हैं, क्या बात है। आत्मदेव जी महाराज ने अपने झोले से फल निकाला है, निकाल करके धुंधुली के हाथ में रखते हुए प्रसन्न मुद्रा में कहा, देवी ये संत का दिया हुआ प्रसाद है और संत ने ये आशीर्वाद दिया है कि हे ब्राह्मण, आने वाले 9 महीने में अगर इस फल का आप सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ संत बच्चों की किलकारी गूंजेगी, ये आशीर्वाद है देवी, बड़े भाव से इस फल का पान करो, आप इस फल को खाओ। धुंधुली ने कहा, महाराज एक बात बताओ, क्या इस फल खाने से भी बच्चे हो सकते हैं। आत्मदेव जी ने कहा, देवी ऐसे भाव भी मन में मत लाओ। अच्छा महाराज ये बताओ कौन से संत ने दिया, अच्छा महाराज ये बताओ। आत्मदेव जी अनेक प्रकार से समझाते रहे, देवी बिल्कुल शंका मत करो, बिना कुछ सोचे समझे इस फल का पान कर लो, आप खा लो। धुंधुली कहती है, महाराज कुछ नियम भी तो होते होंगे, अभी तुरंत नहीं खाऊंगी, कल प्रातः काल उठूंगी, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करूंगी, संध्या करूंगी, तब पवित्र होकर इस फल को खाऊंगी, क्योंकि महाराज संत का प्रसाद है ना। आत्मदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, देवी जैसा आपको समझ में आए करना, लेकिन इस फल को खा लेना। इतना कह करके महाराज पंडित जी तो घर से निकले हैं, गए हैं और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया पंडित जी ने, कह कह करके, भैया देखना संत का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, आने वाले 9 महीने में हमारे यहाँ भी कोई न कोई बालकों की किलकारी होगी, भगवान की कृपा हमारे यहाँ भी होगी। पंडित जी तो गाने लगे हैं, बोलो जी जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। पंडित जी तो महाराज नगर में चले गए, इधर धुंधुली जैसे फल हाथ में लेकर अंदर गई है, पहले तो फल को देखती है, कभी नीचे रखती, कभी साइड में रखती, कभी बगल में रखती, और ये विचार करती, पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ करके दिया होगा, पता नहीं किस संत ने दिया होगा, पता नहीं। पंडित जी महाराज तो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, उठा करके ले आए, लेकिन मैं थोड़ी ऐसे खाने वाली हूँ, इस फल को पहले परीक्षण करूंगी। पंडित जी तो नगर में चले गए और धुंधुली उस फल को लेकर पड़ोसन के पास चली गई, पड़ोसी से जाकर के कहती, अरी बहना, अरी बहना, सुनो एक बात बताऊं, सुनो एक बात बताऊं। पड़ोसन ने भी कहा, अरी बहना क्या बात है, आज बहुत खुश है, बता क्या बात है। उस फल को दिखाती हुई कहती, देखो एक संत ने एक फल दिया है और हमारे पतिदेव आज इसको लेकर के आए हैं और वो कहते हैं कि इस फल को खा लो तो संतान हो जाएगा, देवी क्या ऐसा भी संभव है। तो पड़ोसन ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल इस विषय में सोचो ही मत, अगर संत ने आशीर्वाद दिया है, आपके पति कहते हैं, तो भाव से इस फल को पालो देवी, कोई संशय मत करो। अच्छा चलो मैं फल तो पालूंगी, ये बताओ
इस फल को पाने के बाद जो हमारे शरीर बढ़ेगा, खाना पानी दाना भोजन सब कुछ मेरा कम हो जाएगा। अगर कहीं भूकंप आ गया, घर में ही कहीं आग लग गई, तो मैं क्या करूंगी? मैं तो भाग नहीं सकती। अनेक प्रकार का संशय करती रही, लेकिन फल को नहीं खाया, क्योंकि प्रभु की जब तक इच्छा नहीं होती तब तक वो मिलता नहीं। समय से पहले और भाग्य से कभी किसी को प्राप्त होता ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, पंडित जी महाराज घर में आए हैं। इतने में दैव संजोग से धुंधुली की बहन छोटी आती है और बहन से भी उसने पूछा है, देवी क्या इस फल के खाने से बालक हो सकते हैं? और छोटी बहन के कई बच्चे थे, वो भी चाहती थी कि मेरी बहन के कोई बच्चे ना हो, इसीलिए उसने और बहका दिया, रे बहना ये फल खाने से कहीं बच्चे होते, तुम भी किस बात पर भरोसा करती हो? कहां साधु संत और वैरागियों के चक्कर में पड़ गई हो? काम करो ना, फल के फल का परीक्षण हो जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी। अब के बार जो संतान मेरे यहाँ होगा, अब मेरे मिजाजी को अपने पति को कहना कि मुझे खूब लाभ हो रहा है, बालक ला करके मैं दे दूंगी, आप इस फल को गाय को खिला दो। अगर संत के आशीर्वाद में कोई चमत्कार है तो गाय को भी, तो कई वर्षों से जो है इस फल के खाने से अगर गाय का बच्चा हो गया तो समझ लेंगे कि इस फल में चमत्कार है और आपको पुत्र का पुत्र मिल जाएगा, कष्ट नहीं होगा। धुंधली की बात समझ में आ गई। बोलो जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। धुंधुली ने उस फल को उठाया और बिना सोचे समझे गाय को दिया और पंडित जी से कहती रही, महाराज मुझे खूब लाभ हो रहा है, मुझे खूब लाभ हो रहा है। पंडित जी ने कहा, देवी फल तो पा लिया था। बोले, महाराज खूब आनंद से और खूब लाभ है। धीरे धीरे समय निकला है, सबसे पहले धुंधुली के पास उसकी बहन का दिया हुआ बच्चा पहुंचा है। बच्चे को लाकर के यथोचित पंडित जी महाराज ने पूरे ढिंडोरा पीटते हुए नगर में खुशी और हर्ष के साथ बड़े आनंद उत्सव मनाया है। ठीक उसके 3 महीने बाद जो गाय को फल दिया था, उसने भी मानव जैसे पुत्र को जन्म दिया है। बोलिए दीन बंधु भगवान की। अब बहुत आश्चर्य की बात है। बोले, जिसके यहां एक संतान नहीं था, जिसके यहां कोई एक संतान नहीं थी, आज उसके यहां गाय ने भी संतान दिया है, गाय ने भी मनुष्य को जन्म दिया। ये बहुत आश्चर्य हो गया। वारे प्रभु तेरी कृपा, जब तू देता है तो पता नहीं कहां कहां से दे देता है। आपने गाय के गर्भ से मनुष्य का जन्म हुआ है। देखने वालों की और आत्मदेव जी को बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। आत्मदेव जी भी खूब भगवान को याद करते, खूब संत का धन्यवाद करते, आनंद और उत्सव के साथ समय व्यतीत होता गया। दोनों का नामकरण आत्मदेव जी महाराज ने किया, विद्वान ब्राह्मणों को घर में बुलाया है। सबसे जो पहला पुत्र था उसका नाम रखा है धुंधुली के पास के बहन का दिया हुआ पुत्र था, उसका नाम रखने के लिए जैसे पंडित महाराज आगे बढ़े हैं, जैसे आत्मदेव जी आगे गए, धुंधुली ने कहा, रे महाराज, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आत्मदेव जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, 9 महीने तक कष्ट मैंने सहे, गर्भ में मैंने उठाया, सारे कष्ट मैंने भोगे, और आप कैसे नाम रख सकते हैं? इसलिए इसका नाम तो मैं खुद रखूंगी, इसका नाम होगा धुंधकारी। मेरा नाम धुंधुली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। और दूसरे बालक का नाम रखा है गोकर्ण, क्योंकि गाय का जैसा कान उसका था इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा है। और समय आने पर धीरे धीरे गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी। गोकर्ण बहुत विद्वान हुए, बहुत ज्ञानी हुए, कीर्ति दोनों ने पाई, ख्याति दोनों ने प्राप्त करी। एक तो विख्यात विद्वान हुआ और एक कुख्यात हुआ। धुंधकारी महाराज बचपन से ही जो अपने से छोटे बालक मिलते उनको उठाया, किसी को कुएं में डाल दिया, किसी के चूटी मार दी, किसी के चलते चलते को रुला दिया, अनेक प्रकार के उपद्रव करता था। दोनों बालक बड़े हुए हैं, जैसे आत्मदेव जी ने भी देखा, दोनों बालक बड़े हुए, लेकिन एक पुत्र तो विख्यात विद्वान हुआ और एक कुख्यात हुआ। रोज परेशान करता, घर में आता, माता पिता को दुख देता। आज फिर आत्मदेव जी को ग्लानि हुई, हे भगवान, आपके कृपा से एक ही पुत्र होता या नहीं होता तो मैं सुखी था। पहले मैं दुखी था कि मेरे पास कोई संतान नहीं, और आज मैं दुखी हूं कि मेरे पास संतान क्यों है। आज फिर आत्मदेव जी मरने के लिए गए हैं।
पुनः संत से भेंट हुई है। संत ने हाथ पकड़ करके आत्मदेव को समझाया, आत्मदेव मैंने कहा था तुमसे, क्योंकि कोई संतान सुख देने वाला नहीं है, कोई परिवार आपको सुख नहीं दे सकता, कोई भाई बंधु नातेदार आपको सुख नहीं दे सकता है, इसलिए सुख तो अपने अंदर है और अपने अंदर खोजा जाता है। मैंने कहा था आपको भजन करो भगवान का, उसी में आनंद है। लेकिन आत्मदेव एक बात समझ लो, जो तुम्हारा जो छोटा वाला बेटा गोकर्ण है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसके चरण पकड़ो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर के संत चले गए हैं। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से निकले हैं और तीर्थ में ही आत्मदेव जी ने अपने पुत्र के चरण पकड़े और तुरंत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों में लीन किया है। बोलिए दीन बंधु भगवान की। अब महाराज आत्मदेव जी तो पंच तत्व में विलीन हो गए, गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए, अब घर में कौन कौन बचा है जी? कौन कौन? माता और बेटा। क्या नाम था उनका? है जी, हाँ। कई बार क्या होता है, बीच बीच में पूछना चाहिए, अगर नहीं पूछते हैं तो समझ में नहीं आता कि अब कई बार माताएं ऐसे ऐसे यूं हाथ हिलाती हैं, कुछ ताली बजाती हैं, कुछ बताती हैं कि हाँ भाई कथा समझ में आ रही है, हाँ भाई कथा समझ में हमने सुनी हुई है, बस ये तो कथा तो केवल स्मरण में लाना है। और जैसे ही कोई जब आंख बंद कर लेता है, क्यों, ये विशेषता है, एक विशेषता, जब भी भगवान की चर्चा होगी महाराज, बड़ा एक बड़े बड़े एलईडी आजकल घरों में लगे हुए हैं, किसी के 42 इंची के, किसी के 52 इंची के, ऐसा लगता हमारा टीवी नहीं चल रहा है, वो चित्र जो चरित्र करके दिखाने वाला जो है ना कलाकार, ऐसा लगता प्रत्यक्ष हमारे दीवार पे नाच रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे टीवी HD पता नहीं कौन कौन 3D 4D आ गई है, उसके सामने अगर बैठे कम से कम 4 घंटा 5 घंटा पलक नहीं झपकते। कारण, क्योंकि उसमें कभी रोते हुए दिखाते हैं, कभी हंसते हुए दिखाते हैं, कभी किसी को मारते हुए दिखाते हैं, कभी किसी को पीटते हुए दिखाते हैं, तो उसको देखने में बड़ा आनंद आता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बहुत आनंद आता है। 4 घंटे का पता नहीं लगता कब निकल गया। और सीरियल देखते हैं, अनेक पिक्चर फिल्म खूब देखते हैं, लेकिन कथा में ये आपकी गलती नहीं, हमारी गलती नहीं, ये हमारी कमी नहीं है, ये आशीर्वाद मिला हुआ है, ये आशीर्वाद मिला हुआ है निद्रा देवी को कि भगवती तुम एक काम करना, जहाँ सत्संग चले, जहाँ कीर्तन चले, जहाँ कथा चले, जहाँ आपके गुणगान हो, वहाँ तुम स्वयं प्रकट हो जाना और सबके मत्थे पे जा करके बैठ जाना। ये निद्रा देवी को आशीर्वाद लगा हुआ है, तो मन और एक मन को भी आशीर्वाद मिला हुआ है। बोले महाराज, कई बार क्या होता है, जब छोटे छोटे बच्चे 4, 5, 6 क्लास में पढ़ते हैं, कई बार हमारे साथ भी होता है और आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। अब क्या हुआ होगा सुनने के बाद समझ में आएगा क्या होता है। वो पेंसिल जो होती है, पेंसिल और कटर हम एक हाथ में पकड़ लेते हैं और पूरे बैग को छान मारते हैं, पूरे स्कूल में बेंच को सब नीचे ऊपर इधर उधर सब देख लेते हैं, लेकिन अंतिम में जाकर के समझ में आता है भैया ये तो मैंने अपने ही हाथ में पकड़ रखी थी। फिर हम बिना किसी के देखे अपने मस्तक को पीटते, अरे क्या हो गया। ऐसे ही मन को भी आशीर्वाद मिला हुआ है। जब भी कोई कथा में बैठे, सत्संग में बैठे, कीर्तन में बैठे, तो तू तुरंत वहां से उठना और इधर उधर चले जाना। जैसे अब शाम का समय, कई लोगों का नियम होता है, एक व्यक्ति लुधियाने में कह रहे थे महाराज अब ठीक 6:30 हो गया है, 6:30 बजे हमारा समय है कि हम इस समय गोलगप्पे चाट खाने जाया करते हैं, अब हमारे चाट खाने का समय हो गया इसलिए हमको जाने दो। एकदम सच्चाई, भागवत व्यासपीठ पर बैठा हूँ और उसी कथा में एक माता जी आई, पंजाबी में बोलते हैं, ओ पंडित जी तुसी बहुत सोनी कथा कहन दे, बहुत सोनी। मैं कहा सोनी, अब तब तो मुझे पंजाबी भी नहीं आती थी, बोलो जय श्री कृष्ण, अब तो आप लोगों के सानिध्य में रह रहकर कुछ कुछ आ गई। कहे बहुत सोनी कथा कर दे हो। मैंने कहा अच्छा माता जी, इसमें सोनी आपको कौन सी लगी, कौन सी बात आपके समझ में आई जो सोनी लगी? तो माता जी कहती है बस कथा तो पता नहीं क्या कही आपने, मुझे पता नहीं, लेकिन घर पे मैं सोने के लिए दिन में 6 बार प्रयास करती हूँ, मुझे नींद आ जाए।
रात को 10 बजे तक घूमती हूँ कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। और 4-4 गोली एक साथ लेती हूँ, फिर भी नींद नहीं आती। प्रयत्न करके 1 बजे कहीं जाके मैं सोती हूँ, और महाराज सवेरे फिर 4 बजे नींद खुल जाती, फिर नींद नहीं आती। आपकी कथा में मैं ठीक 4 बजे पहुंचती हूँ, और ये खंभा है ना, इसके सहारे बैठ जाती हूँ चौकी लेके, और जैसे ही बैठती हूँ वैसे नींद आ जाती। खंभे के सहारे 2-2.5 घंटे 3 घंटे खूब बढ़िया नींद लेती हूँ। ऐसी कौन सी कथा में बात है जिससे नींद आ जाए? ऐसा उपाय बताओ महाराज मुझे नींद आ जाए। मैंने कहा जय हो माता जी, कम से कम आपको कथा में आकर कुछ तो मिला, नींद ही सही मिला तो सही, यानी भगवान इससे तो ये सिद्ध हो जाता है कथा में जो चाहो वो मिल जाता है। मैंने कहा माता जी आप नींद चाहती थी, आपको बहुत बढ़िया नींद मिली है, तो कथा की महिमा है। इसीलिए नीत्रा देवी को आशीर्वाद है जी, अपने आप प्रकट हो जाती हैं। अब इन सब का उपाय, नीत्रा देवी कहीं आने न पाए और मन हमारे मन जो है भाग कर कहीं जाने न पाए, इन दोनों का केवल एक ही उपाय, वो क्या? दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भगवान का नाम गाया जाए, इसी से आपकी निद्रा जा सकती है। अब थोड़ी सी बात कि आत्मदेव जी की कथा बोलो जी। जय श्री कृष्ण। समय क्या हो गया जी? 6:15 हो गए। और कथा का समय क्या है जी? हा हा, आप माता जी 3 बजे यहां पहुंच गए थे। जय हो आपकी, जय हो। 3 सबको पता है 3 से 6 कथा का समय है, लेकिन महाराज पहुंचेंगे कब? 4:30 बजे। अब एक बात बताएं, अगर आप ही लोग 4 सवा 4 बजे